अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड हैं और आपने अब तक कोई इनकम टैक्स सेविंग नहीं फाइल किया है तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है जितने भी इस टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में 2021 के लिए जो एप्लीकेबिलिटी है उसके बारे में ये वीडियो होगा थोड़ा अगर आपको लंबा लगता है तो आप मे बी वन पॉइंट देख लीजिएगा क्योंकि हम सारे थर्टी टू हाउ यू कैन सेव इनकम टैक्स इस वीडियो में जानेंगे अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा क्योंकि अभी भी आपके पास कुछ महीने बचे हैं इनकम टैक्स के लिए 2021 में जहां पर आप अपने इनकम टैक्स सेविंग्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेथड हाउ यू विल बी एबल टू सेव टैक्स इन ट्वेंटी सबसे पहला आसान तरीका आपने समझना है कि आपको क्या करना है आपको दो तरीके हैं एक्चुअली इन्वेस्टमेंट्स एज वेल एज एक्सपेंसेस दो तरीके से इनकम टैक्स बचाया जा सकता है एक जो है जहां पर आप अपने टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स दिखा सकते हैं और दूसरा है कि आप जहां पर एक्सपेंस कर रहे हैं उनको एक्सपेंसेस को आप शो कर सकते हैं आपने इनकम टैक्स को सेव करने के लिए तो फ़टाफट लीगल तरीके से जाते हैं थर्टी टू वेस को लिस्ट डाउन करते हैं सबसे पहली चीज़ है होम लोन रिगार्डिंग जो ए का कैटेगरी है जहाँ पर वन पॉइंट अप टू ए आपको मिलेगा और टू लैक्स अप टू सेक्शन ट्वेंटी आपको इंटरेस्ट पर मिलेगा तो ये कुछ सेक्शंस में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है सारे सेक्शंस हम लोग लिस्ट करेंगे उनमें से कई ऑप्शंस के बारे में आपको पता होगा और कई को आज ही आपको पता चलेगा तो इसलिए मैं चाहूँगा आप वीडियो को अंत तक देखिएगा आई एम sure श्योर आपको कुछ ना कुछ नया डेफिनेटली सीखने को मिलेगा जो अब तक अभी तक आपने टैक्स सेविंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया है और अगर ट्वेंटी में कुछ चेंजेस आए तो वो भी आपको नजर आ जाएंगे क्विकली आ जाते हैं सेकेंड है कि सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट पर आपको 10,000 तक की लिमिट है और क्यूमुलेटिव सेविंग अकाउंट्स लिमिट एक्सटेंड फिफ्टी थाउजेंड केस ऑफ सीनियर सिटीजन अब आगे बढ़ते हैं एनआर अकाउंट इंटरेस्ट पर नॉन रेसिडेंट इंडियन है फिक्स डिपॉजिट ड्यू टू जनरस नेचर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू अर्ड एनआरइस आर नॉन टैक्सेबल सो यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आप नोट कर सकते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि लाइफ इंश्योरेंस से जो पैसा मिलता है मान लो मनी फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी रिसीव्ड ऑन मेरिटी ऑन रिसीविंग द क्लेम अमाउंट अमाउंट रिसीव्ड इज एक्ज फ्रॉम टैक्स इफ द प्रीमियम डजन एक्सीड ट्वेंटी परसेंट ऑफ द सम शॉर्ट तो ये क्लॉज बन जाता है अगर भगवान नगर किसी को लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी का क्लेम मिलता है तो उसके लिए टैक्स सेविंग रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है ना दैक्सट इंपॉर्टेंट थिंग स्कॉलरशिप ड्यू टू एजुकेशन जहां पर अमाउंट इज टैक्स फ्री अंडर सेक्शन टेन देर आर नो लिमिट्स फॉर दिस तो अगर आप देखिए अगर आप स्कॉलरशिप फॉर एजुकेशन वाली कैटेगरी में आते हैं तो आपको पब्लिक या प्राइवेट स्कॉलरशिप में मिला है तो टैक्स फ्री हो जाता है अमाउंट रिसीव फ्रॉम सोल्ड शेयर और सोल्ड इक्विटी म्यूचुअल फंडस तो यहाँ पर इफ अमाउंट ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स मोर दैन वन लैक देन ओनली टेन परसेंट टैक्सेज एप्लीकेबल तो ये जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए आसान अच्छी चीज़ है दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अमाउंट रिसव्ड एज डिविडेंड और ऑन शेयर्स और इक्विटी म्यूचुअल फंडस इस अमाउंट इज टैक्स फ्री अब आ जाते हैं वेडिंग गिफ्ट पर जो भी आपको आपकी वेडिंग में गिफ्ट्स में कैश चेक में जो भी मिलता है वो सब कुछ टैक्स फ्री होता है तो अगर आपने ऐसा कुछ सोचा है कि इस पर आपको टैक्स भरना होगा तो ऐसा कुछ नहीं है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर अगर आपको कोई एग्रीकल्चरल uh, बिज़नेस है वहाँ पर अगर आप कुछ अर्निंग्स करते हैं तो वो पूरी तरह टैक्स फ्री होंगे एच यू एफ एन एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए आप इस क्लॉज को ध्यान से पढ़िएगा जहाँ पर आप अगर कोई फ्रीलांसिंग करते हैं या कोई आपका और कोई सेकेंडरी इनकम सोर्स है तो आप सेपरेट एच यू एफ अकाउंट भी बना सकते हैं फॉर दैट एंड उसे आप ए टी सी कैटेगरी में जिसकी वन पॉइंट फाइव लैक्स तक की लिमिट है उसमें पाया जा सकता है नदर इंपॉर्टेंट क्लैरफिकेशन इज़ दैट अमाउंट रिसीव फ्रॉम इनहेरिटेंस मान लो आपके पिताजी से आपके ग्रैंड फादर से आपको कोई अमाउंट मिलता है तो वो उस पर कोई टैक्स अपलिकेबल नहीं है जो सबसे ज़्यादा कॉमन सेक्शन है हमारे ए टी सी के जैसे पी पी एफ है एनपीएस है प्रीमियम पेड ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम होम लोन प्रिंसिपल फिक्स डिपॉजिट ऑफ फाइव ईयर्स सुकन्या समृद्धि अकाउंट एंड चिल्ड्रन ट्यूशन फीस ये सारे सेक्शन एटी सी में आते हैं तो आप डेफिनेटली ध्यान रखिए इनमें से कोई भी अगर आपने पेमेंट करी है तो चेक करिए इसको आप टैक्स सेविंग में ले सकते हैं कुछ लॉकिंग पीरियड्स हैं कुछ इंटरेस्ट रिटर्न्स हैं आप पॉज करके चाहे तो वीडियो देख सकते हैं क्विकली लेट्स ऑन मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन विच इज एन तो एन के लिए एक लिमिट बनाया है जहाँ पर आप फिफ्टी थाउजेंड का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं से ज़्यादा नेशनल पेंशन स्कीम है जो टैक्स फ्री होगा टैक्स बेनिफिट के लिए आसपास आई थिंक 50,000 के आसपास ही आपके लिए एप्लीकेबल होगा तो जहाँ पर ये लिमिट बताई गई है 1.5 पॉइंट लैक्स तक की तो इसको भी चेक करिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मींस है टैक्स सेविंग करने के लिए जिनका ए टी और सारे कैटेगरीज फुल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करता है प्रोविडेंट फंड का अमाउंट आपका टैक्स फ्री है लोन ऑन एजुकेशन पर्पजेज अगर आपने कोई लोन ले रखा है एजुकेशन पर्पजेज के लिए तो जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो टैक्सेबल नहीं होता बट एक्चुअली इसका आपका ए सेक्शन में आप एजुकेशन लोन का फायदा उठा सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स अगर आप अपने लिए अपने पेरेंट्स के लिए सीनियर सिटीजन्स के लिए कर रहे हैं उसको आप टैक्स सेविंग में ले सकते हैं एक्सपेंसेस ऑन अ डिसेबल्ड पेरेंट ये चार क्लॉज जो है ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता तो इस क्लॉज को ध्यान से देखिएगा इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सब क्लाजेज हैं जैसे परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी तो उसको ध्यान से चेक करने की कोशिश करिएगा बिफोर यू कैन क्लेम अ टैक्स बेनिफिट एक्सपेंसिस ऑन ट्रीटिंग स्पेसिफिक डिजीज ये एक्चुअली कुछ क्रिटिकल इलनेसेस के लिए है डिमेंशिया कैंसर एंड एड्स के लिए रिलेटेड टू सीनियर सिटीजनस तो आप डेफिनेटली चेक करिए अगर आपके घर में या फिर आसपास में कोई है जिनको ऐसी सिचुएशन है तो वो टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं मनी स्पेंट ऑन चैरिटी तो ये काफ़ी सारे ए जी कैटेगरी के चैरिटीज होते हैं जहां लिखा होता है कि टैक्स सेविंग आपको मिलेगा तो आप वो चेक कर सकते हैं मनी स्पेंड ऑन डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज ऑब्वियसली गवर्नमेंट वांट्स द मनी सो डेफिनेटली दे विल अलाउ दैट एंड अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द पार्टनरशिप फर्म का सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक्सपेंसिस मेड ऑन ट्रैवलिंग फूड को भी आप कर सकते हैं जैसे आप सैलरीड एम्प्लॉयी हैं तो लीव ट्रैवल अलाउंस का फ़ायदा उठाइए एच का एक स्पेसिफिक सेक्शन होता है अगर वो एच सैलरी का पार्ट नहीं है तो आपको वन फोर्थ ऑफ टोटल इनकम वाला क्लॉज आप लिखा हो जाता है आप इस क्लॉज को डेफिनेटली देखिएगा मैं इस पूरे के पूरे प्रेजेंटेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा आपको अगर ग्रेचुटी से कोई अमाउंट मिलता है तो टैक्स फ्री है अप टू ग्रेचुटी ट्वेंटी लैक्स मिलती है फूड कूपन अप टू ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड जो होते हैं वो टैक्स फ्री हो जाते हैं और स्टैंडर्ड डिडक्शन का फोर्टी थाउजेंड का अमाउंट तो मैक्सिमम अप्लाइड ही है एक और चीज़ निकल के आती है कि जो कंपनी लीज कार होती है उसमें आपको ऑप्शन मिलता है सेविंग टैक्स तो देखिए अगर आपकी कंपनी में कोई लीजिंग का ऑप्शन है जहां से आप कार लीज ऑप्शन पर ले सकते हैं बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा एक्सपेंसिव ऑफ टेलीफोन और इंटरनेट कैन भी यूटिलाइज ऑल्सो फॉर टैक्स बेनिफिट्स ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अमाउंट रिसीव फॉर वॉलन्ट्री रिटायरमेंट स्कीम ये भी अमाउंट रिसिव्ड एज पर वॉलन्टरी रिटायरमेंट स्कीम इज़ नॉन टैक्सेबल अप लिमिट ऑफ फाइव लिमिट्स तो ये भी आप देखिएगा डेफिनेटली सारे क्लॉजेस हमने एक्सप्लेन करे आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा कुछ अगर जानने मिला तो डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसी तरीके के हम लोग हेल्पफुल वीडियोज आप लोगों के लिए लाते रहते हैं थैंक यू सो मच एंड बाय बाय